नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर क्या सोचने की जरूरत है, जिस भी पार्टी को देख लीजिए बिहार में शराबबंदी को हटाने की ही वकालत कर रहा है। कोई पार्टी ऐसी है जो कि इसे लेकर चल रही है एक मिशन के तौर पर, उसका नाम है जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है और साफ बात नीतीश कुमार ने अपने निश्चय के तौर पर कह दी है कि शराबबंदी क्यों जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात कि जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं और खासकर वैसी महिलाएं जो सबल नहीं हैं, उनकी डिमांड पर शराबबंदी लेकर नीतीश कुमार आए, बहुत बेहतरीन सोच। बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई और कई बार इस पर डिबेट रखी गई, लेकिन फिर एक पार्टी का ऐसा उदय होता है और जब पार्टी की जब घोषणा होती है, बड़ा मंच सजता है, तब यह कहा जाता है उसी मंच पर, खासकर 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, कि आएंगे तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। चलिए उस मसले को भी जरा छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन क्या शराबबंदी को हटाना ही एक विकल्प है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मेहमानों की पूरी लिस्ट तैयार है और हमारे साथ आज की डिबेट में जो लोग शामिल हैं उनसे आपका हम परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हैं, हमारे साथ विजय यादव प्रवक्ता हम से हैं, सैयद मसीह उद्दीन प्रवक्ता जनसुराज से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं और एजाज अहमद हैं प्रवक्ता आरजेडी से। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं और बहुत गंभीर विषय है, इसलिए गंभीरता के साथ सबको सुनना भी होगा और अपनी बात रखनी भी होगी। और इससे पहले हम बताएं कि कई ऐसे नेता हैं बिहार के, ऐसे कई मजबूत नेता हैं जिन्होंने शराबबंदी पर अपने अपने तरीके से टिप्पणी भी की, हमला भी किया। आज हम जरा शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार को लाइए, थोड़ी समझदारी की बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधे राजनीतिक समझदारी पर हम आएंगे। डॉक्टर संजय कुमार, जरा हमें बताइए शराबबंदी पर सोचने की जरूरत है, ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है कि बार बार जिसे देखिए वो कहता है कि बस हम आए और शराबबंदी खत्म, उसके बाद बैठ जाइएगा फिर वो अद्धा चवनिया और पौवा लेकर। नहीं देखिए, ये आप अब सत्ता में आई है और चूंकि ये शराबबंदी राज्य सरकार का निर्णय होता है, राज्य को इसको करना होता है, लेकिन मैं एक छोटे उदाहरण से चीजों को शुरू करता हूँ। 1939 में आपको ले जाता हूँ, उस समय प्रोविंशियल स्टेट होता था और मुंबई में गांधी जी को लोगों ने आकर के कहा कि एक बेहतर स्कूल हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी और उस पैसे के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट पर निर्भर करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा उनसे हम लोग मांग लेंगे। अंग्रेजों ने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो लोगों ने कहा कि एक स्रोत और है कि थोड़ा हम लोग शराब पर टैक्स बढ़ा दें, ठीक है, और उससे क्या होगा, थोड़ी बिक्री बढ़ जाएगी और हम उस पैसे से स्कूलों की शिक्षा को बेहतर कर देंगे। बिल्कुल, गांधी ने कहा कि हम स्कूल बंद करना पसंद करेंगे लेकिन हम शराब और शराब के आए हुए पैसे से शिक्षा की पाठशाला या प्रयोगशाला नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, और उसी से उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल की नींव डाली जिसका प्रयोग भूमि इसी बिहार का भितिहरवा आश्रम बना, बिहार का चंपारण की धरती। गांधी और शराब दोनों का क्या लेना देना है भाई? यंग इंडिया में गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गांधी ये जो शराब है वो एक ये है बीमारी की तरह है, उन्होंने डिजीज से तुलना की और उन्होंने कहा कि चोरी और प्रोस्टिट्यूशन से भी खराब है ये शराब। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड क्लास का स्कूल आप बनाइए, उसके बहुत सारे वित्तीय प्रबंधन के स्रोत हो सकते हैं, अगर आपके अंदर में इच्छा शक्ति होगी तो वर्ल्ड क्लास के स्कूल बन जाएंगे। आप जो बिहार की सरस्वती सूख गई है उस धारा को आप फिर प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन यह कैसा प्रयोग कि शराब के कॉस्ट पर हम प्रयोगशाला का या सरस्वती की धारा को फिर से हम निकालेंगे, इससे यह जो कंट्राडिक्टरी है, इस कंट्राडिक्टरी से मैं कहीं से सहमत नहीं हूं। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल अगर नीतीश कुमार जी ने प्रयोग किया, एक मिनट, सैयद मसीहुद्दीन प्रवक्ता जनसुराज से, यह सवाल समझ में आ रहा है आपको जो अभी डॉक्टर संजय उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। हाँ तो अगर इस सवाल को समझ पा रहे हो इसका उत्तर दीजिए जरा। नहीं नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो सरदे प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2022 से जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के दौरान जो लाखों लोगों से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, उस दौरान जो लोगों की पीड़ा थी, लोगों की पीड़ा को जो सुना, और पिछले 8 सालों में लोगों ने क्या कहा कि शराब, लोगों ने कहा कि 8.5 लाख जो एफआईआर हुआ है
और 13 लाख लोग गिरफ्तार हुए, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को सजाएं हुई, जिसमें बहुत बहुत बड़ी आबादी जो है बेकसूर लोगों की थी। तो इसीलिए उन जो लोगों से फीडबैक मिला उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह से हम लोगों की मानस को बदलेंगे, उनकी मानसिकता को बदलेंगे, उसमें सामाजिक बदलाव लाएंगे, उनके बीच में काम करेंगे। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शुद्ध शाकाहारी तो सब कुछ बंद करा दीजिए, हमें ये बताइए, हमें ये बताइए, सही साहब हमें ये बताइए, क्या लोगों ने क्या कहा कि बस बहुत दिन हो गया बैठे हुए, टेबल सजाए हुए, ये सब कहा था? अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टेबल नहीं सजता क्या पटना में? नहीं, जो लोग गला फाड़ फाड़ के शराबबंदी की बात कर रहे हैं, मोबाइल खोलिए, है होगा ना वीडियो, दिखाइए जरा मोबाइल पर, जो लोग बोल रहे हैं गला फाड़ शराबबंदी के सामने, आप न्यूज 18 के स्टूडियो में हैं, शाम में उनकी महफिलें, न्यूज 18 के स्टूडियो में हैं, और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आप अगर हवा हवाई बात करेंगे तो फिर नहीं, जो कहिए उसका सबूत। नहीं, निजी आरोप में नहीं लगा रहा, हाँ मैं कोई निजी आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना कि कई लोगों से मुलाकात हुई, बिहार की जो दुखियारी जनता थी उन्होंने अपील की, क्या अपील थी वो? बिल्कुल, अपील थी कि ये जो शराब के कारण दिहाड़ी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, उनको इसके लिए शराबबंदी खत्म कर दीजिए, वकील का, हाँ बिल्कुल, आम जनता का। और यही नहीं, 2 अक्टूबर को जो जन सैलाब आया पटना में, और सब लोगों से हाथ उठा के प्रशांत जी ने पूछा कि आपका क्या कहना है, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, हम फिर यहां से अपनी बात को वापस ले लेंगे। तो सारे लोगों ने कहा, जितनी भीड़ थी, हाँ, सारी भीड़ ने एक नहीं दोनों हाथ उठा के कहा, हाँ, कि नहीं इसको बंद करिए, अच्छा ये शराबबंदी है, इसको वापस लीजिए, वापस ले लीजिए, पीने दीजिए। तो ये जन भा नहीं, पीने आप तो कह रहे हैं कि जनता दोनों हाथ उठाकर कह रही है कि बस शराब, हाँ आप कह रहे हैं कि जनता कह रही थी दोनों हाथ उठाकर, और नशा के हित में हम नहीं हैं, हाँ, हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन शराब बंदी के नाम पर जो गुंडई हो रही है, हाँ, जो प्रशासनिक उसको, ठीक है ठीक है, आप ये कह सकते थे ना, ठीक है ठीक है, आप ये कह सकते थे कि जब हमारी सरकार, सुनिए सुनिए, आप ये कह सकते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो नियम कानून कायदे बिल्कुल शराबबंदी तो है भाई, बढ़िया है, हम उसको पुरजोर तरीके से लागू करेंगे, जो खामियां हैं उन्हें ठीक करेंगे, और जो गलत गिरफ्तारियां हुई हैं, जो गरीब गुरुओं को सताया जा रहा है, उन्हें हम बाहर निकालेंगे और एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। लेकिन दोनों हाथ उठा के, वही तो हम सुनना चाह रहे थे, बिहार की जनता सुन रही है कि एक नई पार्टी आई है, तो क्या आम जनता आपकी इस पदयात्रा से जुड़कर यह कह रही थी कि बस अब बोतल धरवा दीजिए मेरे हाथ में? नहीं नहीं, बोतल धरने की बात नहीं, बोतल के नाम पर जो कर रही है सरकार, तो आपने भी कहा छोड़ा सर, कई अरे आपने भी कहा छोड़ा, आप भी तो सीधे तरीके से कह सकते थे शराबबंदी खत्म, एक घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात है, आपने ये कहा होता शराबबंदी रहेगी, लेकिन एक घंटे में इसके पीछे जो भी दोषी है, बदमाश है, जो इसको फेल करना चाहते हैं, उनको सबको हम चुस्त दुरुस्त कर देंगे, सबको जेल में डाल देंगे, आपने ये तो नहीं कहा? शराबबंदी के नाम पर जो पैरेलल राजस्व हो गया है, पैरेलल जो राजस्व की वसूली हो रही है, आप जो एक तीर से दो निशाने साध रहे, नहीं उस पर रहना पड़ेगा। परिमल कुमार जेडीयू से, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अरे जिस तरह की वसूली कर रहे हैं ये लोग, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, शराबबंदी पर भाई प्रेशर अलग तरीके का है, दोनों हाथ उठाकर जनता कह रही है, जो प्रशांत किशोर के सामने थी, उनकी पार्टी के सामने थी, उन्होंने दोनों हाथ उठाया। देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति के किशोर हैं, वह अशांत किशोर हैं। आप देखिए कि कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी यदि डेमोक्रेटिक पार्टी सेटअप होती है तो प्रारंभिक दौर में भी और अंत भी वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म होता है उसके अनुरूप काम करती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रोहिबिशन ऑफ लीकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स की बात की गई है, और उसी को ध्यान में रखकर साथ साथ महिलाओं के मांग पर 2015 में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने चुनाव में वादे किए थे, और उसके अनुरूप प्रोहिबिशन ऑफ लीकर एक्ट 2016। उन्हें कौन जनता जाकर बोल रही है की बात मैं करता हूँ। देखिए नहीं नहीं, देखिए जब हमने शुरू किया था, मैं बताता हूँ, हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, सबको पता है,
लेकिन जो जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है या इनकी पदयात्रा से जुड़ रही है, उनकी जो अपील है और उनकी अपील पर सरेआम इन्होंने जो कहा कि एक घंटे में बस नहीं, देखिए देखिए एक्चुअली ना इनकी अपील है ना इनके साथ पदयात्रा। 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में जिस तरह महिलाओं की सैलाब आया, बेसिकली जन सुराज के जो मीटिंग में जो अधिकांश जो व्यक्ति थे वो कार्यकर्ता नहीं थे, दे वर पेड स्टाफ ऑफ आईपैक कंपनी ऑफ प्रशांत किशोर। और आपको बतला दे कि ये ऐसे व्यक्ति हो, इनको संविधान के भावनाओं की समझ नहीं है। देखिए जन सुराज की ये बात करते हैं, सुराज की जो संकल्पना थी वो गांधी जी की थी। हाँ। और गांधी जी घोर और कट्टर विरोधी शराबबंदी के थे। यंग इंडिया के संपादकीय में उन्होंने 15 सितंबर 2027 में लिखा, इसका मतलब ये हुआ भारत को कंगाल बनाना पसंद करूंगा लेकिन यह पसंद नहीं करूंगा कि हजारों हजार व्यक्ति शराब पीकर जीवन बर्बाद करें। फिर उन्होंने कहा कि यदि शराबबंदी को करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को हमको रोकनी पड़े तभी मैं रोक कर शराबबंदी कानून लागू करूंगा। और ये नाम लेते हैं जन सुराज और बोलते हैं कि एक घंटे में वो शराबबंदी, तो ये एक तरफ से संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लंघन कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2 अक्टूबर को जो तिथि इन्होंने चुना, इन्होंने जानकर संविधान को मुंह चिढ़ाने का काम किया और राष्ट्रपिता को मुंह को अपमानित करने का काम किया। सबसे पहले प्रशांत किशोर को पब्लिकली क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रपिता को उन्होंने चुनौती देने का काम किया। राष्ट्र अच्छा, एक चुनौती परिमल जी, और एक चुनौती को एक चुनौती आपके बगल में बैठे हुए विजय यादव जो कि प्रवक्ता है हमको वो भी देंगे। विजय यादव जी, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ठीक है, और लिटिल लिटिल लिया करो। तो ये जो जिनका कहना है, जितना मांझी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा वकालत की है कि भाई लेना चाहिए और आरोप भी लगाए हैं कि बड़े जज तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसी स्थिति में क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी पर जो विचार प्रशांत किशोर के हैं वो विचार सही हैं, जायज हैं? विवेक जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। देखिए, जब शराबबंदी हो रही थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने सारे बिहार के दल थे उन्होंने कसम खाया था कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जीतनराम मांझी कभी नहीं कहा कि शराबबंदी लागू नहीं होना चाहिए, खुलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने सारे शराब नीति थे उसमें कुछ बदलाव की बात किए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब शराब नीति लागू हुआ तो उसमें बहुत सा कड़ा कानून था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमारे नेता ने उसको इजी करने का काम किया। आज भी उनका कहना यही है कि जो गरीब जेल में बंद है या 100 ग्राम जो लेबर मजदूरा का काम कर रहे हैं पीकर रोड पर टहल रहे हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है, अब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग पीते हैं वो नहीं पकड़ा पाते हैं, उनके कहने का मतलब देखिए सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मतलब हाँ, मतलब कि नीतीश कुमार को प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, नीतीश कुमार की निश्चय को प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो भी बड़े पदाधिकारी पी रहे हैं तो बतलाने का काम करे कि शराब, ये तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जो शराब लिटिल लेकर ड्रीम में जाना चाह रहे हैं उनका क्या? नहीं नहीं, वो तो हमारे आदरणीय मांझी जी ने स्पष्ट कहा कि बड़े बड़े पदाधिकारी जो पी रहे हैं तो वो नहीं पकड़ा रहे, गरीब जो पी रहे हैं वो जेल में, जो जेल में रखने का जगह है वो मतलब सोचने की जरूरत है, शराबबंदी को सोचने की जरूरत है। आज जो आज देखिए आज जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैं एक घंटे में सरकार बनेगी, आप सोचने की जरूरत है क्या शराबबंदी पर? ये लाइन क्लियर कीजिए। एकदम निश्चित सोचने की जरूरत है कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर जी आज कह रहे हैं कि एक घंटे में मैं शराब खुलवा दूंगा। एक सेकंड सुन लिया जाए तो मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी आप किसके बच्चे को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं, किन बच्चियों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, जिसका बाप शराब बेचेगा खोल देंगे, बच्चा बच्ची आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक तरफ आप कहते हैं कि मैं शिक्षा दूंगा, शिक्षा में बदलाव करूंगा, तो जब वो दारुए में लीन हो जाएगा उसका माता पिता वो बच्चा तो शिक्षा कहां से एजाज अहमद साहब आज पूरे रंग में दिख रहे हैं आप, आज पूरे रंग में दिख रहे हैं, आज टोपी आपके सर पर है बिल्कुल।
जी जी हाँ, शराबबंदी पर क्या सोचने की जरूरत है? यहाँ पर तो, यहाँ तो दोनों ही बातें हो रही हैं। हम पार्टी की तरफ से जो मैं देख पा रहा हूँ कि वहां ढक्कन खोलेंगे, एक कह रहे हैं कि हम ढक्कन खोल देंगे और एक कह रहे कि मैं ढक्कन खोल के थोड़ा सा बस दवाई जैसा मेडिसिन, अब जितना एमएल निकल जाए तो। देखिए विवेक जी, हाँ। देखिए विवेक जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का काम कर रहा है, उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू किया था और साइकिल यात्रा में उन्होंने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, बिल्कुल। और मुहिम बना करके पूरे बिहार भर में घूमे थे और उसका कहीं ना कहीं जो महिलाओं में और आम जनों में बेहतर संदेश गया उसको सभी ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू 2010 से 15 के बीच में जो नई प्रोत्साहन शराब प्रोत्साहन नीति लाया था उसके अंतर्गत पूरे राज्य भर के सभी पंचायतों में, सभी गांवों में, सभी जगह शराब की दुकानें खुल गई थी, लोग एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, अब संस्कृति का माहौल हो गया था, महिलाएं प्रताड़ना का शिकार हो रही थी, बच्चे घरों में जो माहौल था उसके कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने मोतिहारी की सभा में कहा था, याद होगा आपको भी विवेक जी, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को शराब खोल दूंगा। विजय जी सुन लीजिए मोतिहारी की सभा में अभी कंफ्यूजन पर आना बाकी है, समय की कमी है, लेकिन सुन लीजिए, मोतिहारी की सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इन बच्चियों को जो पोशाक दे रहे हैं, जो साइकिल दे रहे हैं, जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, ये शराब के द्वारा जो प्राप्त राजस्व है उसके माध्यम से कर रहे हैं। अब एक जब बच्चियों ने सुना, सुन लीजिए विवेक जी सुन लीजिए, जब बच्चियों ने ये बात सुना तो साइकिल लौटाना शुरू किया, पोशाक लौटाना शुरू किया और बच्चियों ने कहा कि शराब के स्वीकार नहीं करने के। अब आपकी पार्टी का लाइन क्या है, क्या हमारी पार्टी में है? हमारी पार्टी जब 2015 में सत्ता में आई, नीतीश जी के साथ जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, ठीक है, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमारा संदेश है कि शराब नहीं किताब चाहिए, मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, उसको अक्षरशा लागू किया जाए। और 2016 में हमारे साथ सत्ता में रहते हुए 30 जनवरी 2016 को महात्मा गांधी जी के साथ, मतलब आप सपोर्ट में है शराबबंदी, आपकी सरकार अगर आएगी तो नहीं कुछ होगा, शराबबंदी अगर आप, अगर आपकी सरकार आएगी तो शराबबंदी हमला नहीं होगा। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से काफी एजाज अहमद जमा कराया है, एजाज अहमद साहब क्या लाइन है शराब आपकी सरकार पार्टी तो क्या का? देखिए विवेक जी, हमारी पार्टी का स्पष्ट लाइन है, जो शराबबंदी है उसको और कठोर। चलिए, बिहार की दो ऐसी बड़ी पार्टियां, प्रदेश स्तर की पार्टियां, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी को हम जारी रखेंगे, भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। डॉक्टर संजय कुमार का दुकान खुल गया, डॉक्टर संजय कुमार कंक्लूड कीजिए, चलिए कम से कम थोड़ी दिलासा, थोड़ा विश्वास तो है यहाँ पर, आशा कर सकते हैं कुछ न कुछ बढ़िया होगा। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संजय जी ये बताएं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में, महाराष्ट्र और यूपी से ज्यादा शराब पी जा रही है कि नहीं? अरे शराबबंदी के पहले अभी शांत रहिए, डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, अभी अभी सब लोग, डॉक्टर संजय को लाइए, 30 सेकंड है, 30 सेकंड का वक्त है, डॉक्टर संजय आइए मेरे साथ, कुछ प्राथमिक विद्यालयों में, डॉक्टर संजय आइए, अच्छा ठीक है ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बता रहा हूँ मैं आपको, बतलाएं मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, जी जी, सुप्रीम कोर्ट का अभी का निर्देश आया है, सुप्रीम कोर्ट का जी, उसने कहा कि सारे एनएच पर 500 मीटर के दायरे में कहीं भी शराब न बिकेगी न बनेगी, ठीक है, और बिहार का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है कि रोड एक्सीडेंट में शराबबंदी के बाद 19% की कमी आ गई, ठीक है, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो अभी मतीदुन साहब बोल रहे थे, बिहार में एक शराब पर भी एक सर्वे कराया गया, पीपुल रिएक्शन, 99% महिलाओं ने और 92% पुरुषों ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। आप पैरेलल इकोनॉमी पर
इसके एग्जीक्यूशन पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर जितने सवाल उठाइए, बिल्कुल सवाल उठाना लाजमी है। चलिए, लूपहोल बंद होना चाहिए। चलिए, लेकिन बिहार उड़ता पंजाब न बने इसका ध्यान, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। शराबबंदी पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है भाई, शराबबंदी है तो सब ठीक है, और शराबबंदी को अगर हटाना है सिर्फ अपने फायदे के लिए तो फिर ठीक नहीं है। बिहार की जनता सोचने के लिए स्वतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।